दर्शकों, ये जो आप तस्वीरों में महिला देख रहे हो, ये महिला जो है पिछले 4-5 दिन से घर से लापता है। मैं एड्रेस की बात करूं तो ये उधमपुर मगैनी से ये महिला जो है ये लापता है। और तस्वीरों में आपको ये मासूम सा बच्चा जो दिखाई दे रहा है, ये इसी महिला का है। और साथ ही में इस महिला की जो माता जी हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, पिछले 4-5 दिनों से ये महिला जो है अपने घर से घायल है, गुम हुई है। और इनकी माता से ही जानते हैं आखिर पूरा ये क्या मामला है। माता जी के नाम थोड़ा गीता देवी तुस कुछ रोंदे मगैनी किन्ने दिन दी गुआची दी आज 5 दिन होए 5 दिन होए ते के लगदा है कुत्थे चली गई है कि करा काम करने गई हुण पता नहीं सोरियां रु भी है डोर के पता हुण वो भी बैसदे हे अच्छा आदे मारी मुरी ऐसे आदे बच्चा लेना अच्छा हां लड़ाई ही करा दे ता आई है अच्छा डरदे नड़ गटे आदे हुण के पता किन्ना चिर होया इन्ने पियो करंदे पियो का कोई 2 साल हो गए है ते 2 साल दे विच कोई उंदी तरफ दा कोई कारवाई कीती कोई कारवाई असा कीती दी कोई उन्हें बच्चे का खर्चा नहीं दिता कुड़िया खर्चा नहीं दिता कोई पैसा नहीं उन्हें दिता नहीं वो 2-3 हंडी आए लड़ाई लाने का आए हूँ ऐतवार आ दे पहले दिन एक कुड़ी गुआची दूए दिन वो उठी आए भाई बच्चा लेने अच्छा हाँ 2 गड्डियां 3 गड्डियां ले आ दे फिर असें रिपोर्ट भी करा दी असें ते वो उन्हें भी नहीं मना दे उन्हें आखिया भाई जोर बारी अस बच्चा नहीं दवाई सकते हैं जल्द बच्चा गल करने होता तो तुम ले जाओ बच्चा थोड़ा गया तो बच्चा कहता मरी भी जा मां भी नहीं है कश नहीं गए बच्चे कहता किश हो गया कौन जिम्मेवार साल उन्हें आख्या भाई तुप्पने कोशिश लगे उन्हें किश नहीं आख्या उन्हें आख्या भाई साढ़े बच्चा एक आख्या उन्हें अरे भाई साड़ी भी बेइज्जती है ते कुसै आखना साढ़ी लाड़ी नस्सी दी उन्हें के ते फ्ही तैलू चुप रेह इन्हें एह् गल आखी फ्ही ओह् दुए दिन उठी आए डंग शुंग लेइयै ते फ्ही उं'दी उं'दी ओह्दी भैन रौंह्दी कुड़ी दी मासी सस्स रौंह्दी इत्थें बसैया रौंह्दा उं'दा पूरा हत्थ है ते ओह् मतलब उत्थें बी नहा कुड़ियै खड़ोन दिंदे आखदे उत्थे भी मरांदी ही मासी नुहाड़ी ते जेड़ी ए महिला ए कोई काम शाम करदी ही था घरा कियां गई ए काम करदी ही एमएच काम करदी ही ए घरा ठीक ठाक गई कोई कपड़े शपड़े से नहीं लेते लेते दे यार कोई नाड़ा जा काम करने कोई नाड़ा जाने दा प्लान नहीं हा खाली मखाली गेदी किन्ने बजे दी गल होनी कोई 8 बजे दी गल है सवेरे जियां रोज जंदी हां जियां रोज जंदी उंगा गई रोटी रोटी खादी तुसें कियां शक होई आ गई ओ चली फ्ही असें फोन कीता नी जित्थे गई ऐ 1 बजे भी 2 भी 3 जेल्लै 3-4-3 बजे घरै औंदी ही ते फ्ही असें टाइम होई गेआ नुहाड़ा बच्चा लेई पेआ रोना फ्ही असें फोन कीता ते ओह् लगे आखना भाई इत्थे पुज्जी दी नी ऐ नी किश अच्छा हां इत्थे आई कि नेईं जित्थे कम्म करदी अच्छा हां फ्ही असें शक होई गेआ फ्ही न्हेरा होई गेआ फ्ही भ्रा निक्का कुड़ियां बड्डियां ने दोऐ ते भ्रा निक्का ते ओह् तुप्पने तप्पने आए अस जागत तुप्पने आए इक मासियां मुड़ा आया इक भ्रा आया ते नेईं लब्भी ते फ्ही FIR कराई तुसें हां कोई लोकेशन बगैरा ट्रेस ले कराओ सोचा होवा दे करा दी है और किसी किस्म दा कोई शक कोई तुसें लगदा होवे शक केह् पता सोरिये आखदे भाई असें बच्चा लेना ते इयां इसने देना नहीं है नहीं किश ते फ्ही ओह् असें उ'नें सौरियें बी सनाया बी नेईं दूए दिन ओह् उठी आए बच्चा लेने उठी आए बच्चा उं'दा गै साढ़ा नेईं ऐ बच्चा उं'दा गै भाई रोइयै हून नुहाड़ा कौन जिम्मेवार रोई रोइयै मतलब साढ़े कन्नै गिज्झे दा बच्चा ते ओह् सेही नेईं ओह् आए नी कदें गल्ल नी कथ नी कदें औंदे जां नुहाड़ा घरा आह्ला औंदा गिज्झे दा होंदा हा बच्चा ते असें देई ओड़ना असें केह् करना बगाना बच्चा साढ़े अपने हैन फ्ही आयो इक जठानी आई सस्स आई उ'नें औंदे औंदे गै डांगा चुक्की लेइयां ते फ्ही ओह् आए पुलिस आह्ले ने मिली आए भाई अस बच्चे मेले जा ने ते ओह् खुसना लगी पे नी अच्छा मासी मसैया ओह् नुहाड़े इत्थे न ओह् मतलब मुड़े दे मासी मसैया इत्थे न उं'दा पूरा ओह् है ते ओह् सनांदे 9 बजे कुड़ी आई खल्ले 9 बजे घरे आई 9 बजे उत्थे आई ते हून ओह् बच्चे पिछे पेदे ते भाई बच्चा फटोफट इत्थे लेओ अच्छा लेओ इत्थै बच्चा नानिया लैता लेओ इत्थे बरोआ दा इ'यां करदा असें पूरा कोई बच्चे दा खर्चा नहीं कोई उन्हें कुड़िये दा खर्चा नहीं कोई वकीला असें 1 रपेआ नहीं दवाया ते भाई अस आपूं ध्याड़ियां शाड़ियां कुड़ी कमाइयै बच्चे पालदी ही ते अ'ऊं मेरा पैह्लें डराई डराइयै उन्हें खसम मारी ओड़ेआ अ'ऊं रोइयां रंड मरूडी जनानी ते हून ओह् भाई मेरे पिच्छे लग्गे दे
दर्शकों मैं दिखाना चाहूँगा फिर से, ये महिला जो है ये इसकी तस्वीर है। अगर किसी को भी ये कहीं पे दिखती हैं तो इनके साथ ज़रूर संपर्क करें, पुलिस स्टेशन में संपर्क जो है वो ज़रूर करें, क्योंकि इन्होंने इस गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो भी कराई हुई है। ये मासूम सा बच्चा है और अब 4-5 दिन जो हैं वो हो गए हैं, तो ये लोग काफ़ी परेशान हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि ये महिला जो है ये ऑलरेडी ही अपने मायके में रह रही थी, ससुराल पक्ष से मनमुटाव चल रहा था, कुछ दिक्कतें चल रही थी, जिसके चलते साल डेढ़ साल से ये लोग जो हैं ये मायके में रह रहे थे। ये बेटा है उस महिला का। और हमारे साथ यहाँ पर प्रयास एक नई दिशा एनजीओ के चेयरमैन पवन देव सिंह जी भी हैं, इनके द्वारा ही हमसे जो है वो संपर्क साधा गया है, इनसे भी जानते हैं। पवन जी, आखिर क्या है ये पूरा मामला? देखिए जी, वो तो मुझे नहीं पता कि इनका पर्सनल क्या इश्यू है, इनकी पर्सनल क्या लड़ाई है। चलो, वो तो घर में तो मनमुटाव चलते ही रहते हैं। तो इन्होंने करीबन 6 महीने पहले, मुझे पहले भी इन्होंने बताया था, मैंने इनसे कहा था कि आप अपना मसला जो है इसको बैठ के सुलझाइए। अभी 4-5 दिन पहले इन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि जो इनकी लड़की है जिसकी ये तस्वीर बता रहे हैं कि ये घर से गायब हो गई है, सुबह काम पर गई थी तो उसके बाद ये वापस नहीं आई है। तो फिर मैंने इनसे कहा था कि आप थाने में रिपोर्ट करवाइए, जहाँ पे आपका केस चल रहा है, जो वकील आपका केस लड़ रहे हैं आप उनसे कंसर्न कीजिए। तो इन्होंने जो वकील इनका इस लड़की का केस लड़ रहे हैं उनसे भी कंसर्न किया, इन्होंने रैम्बल थाने में रिपोर्ट भी करवाई है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि मेरी पुलिस प्रशासन से भी ये अपील रहेगी कि वो जल्द से जल्द कोशिश करें कि ये जो इनकी बेटी जो गुम हुई है उसको वो ढूंढ निकालें, ताकि आप देख रहे हैं एक छोटा सा बच्चा है वो बिना माँ के कैसे रहेगा। तो इस बच्चे को अपनी माँ मिल जाए। और मैं आपके चैनल से एक बार फिर पुलिस प्रशासन से भी ये अपील करूँगा और आम जनता से भी ये अपील करूँगा कि अगर उनको कहीं भी ये लड़की दिखाई देती है तो वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जो है इसके बारे में सूचना दे, ताकि ये लड़की हमें जल्द से जल्द मिल सके। जी देखिए, ये मैं फिर से एक बार आपको तस्वीरों में दिखा